अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर नेक्स्ट लेक्चर इज़ लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, लैंग्वेज क्या है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, इसी तरह लिंग्विस्टिक्स के कुछ लेवल्स होते हैं कि उसको किन किन सतहों पर देखा जा सकता है, उसके कुछ लेवल्स होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक्स के तीन लेवल हैं। तीन लेवल्स की बुनियाद पर इसको हम आगे लेके चलते हैं और उनको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला लेवल है साउंड का लेवल, उसके बाद वर्ड का लेवल है और उसके बाद मीनिंग का लेवल है। साउंड के लेवल पे हम स्टडी करते हैं फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को, वर्ड के लेवल पे मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स को स्टडी करते हैं, और मीनिंग के लेवल पे सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स को। ये बेसिक लेवल्स हैं लिंग्विस्टिक्स के, तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेवल है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फोनेटिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ साउंड है। इसके अंदर हम साउंड को डिस्कस करते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका मीनिंग क्या है, और कैसे स्पीच ऑर्गन्स के ज़रिए आर्टिकुलेट होता है। और फोनोलॉजी के अंदर हम साउंड को मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं कि साउंड वॉइसलेस साउंड है, वॉइस साउंड है, यह है फोनोलॉजी। उसके बाद फोनेटिक्स को मज़ीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स और अकोस्टिक फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स वो होती है जिसके अंदर स्पीच साउंड कैसे बनता है और उसको ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स के ज़रिए कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है, कैसे अटर किया जाता है। उसके बाद है अकोस्टिक फोनेटिक्स। अकोस्टिक फोनेटिक्स डील्स विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि इसके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई जाती हैं कि साउंड किस टाइप का है और क्या मीनिंग प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स डील्स विद द परसेप्शन वियर द ईयर ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि ईयर के ज़रिए जो हम साउंड परसीव करते हैं उसको हम ऑडिटरी फोनेटिक्स कह देते हैं। ये था पहला लेवल फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का। ये एक बेसिक क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, और उसको हम आगे जाके मज़ीद डिटेल्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द सेकंड लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है स्टडी ऑफ वर्ड्स है। इसके अंदर हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं और वर्ड्स की अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं। इसके अंदर सिंटैक्स आ जाता है और ग्रामर आ जाती है, यानी कि सेंटेंसेस को हमने कैसे अरेंज करना है और कैसे एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है और उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद उसके लेक्सिकल और ग्रामेटिकल फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि लेक्सिकल फंक्शन इसका क्या है, उसको वर्ड्स के लेवल पे कैसे देखा जा सकता है, उसका क्या मीनिंग प्रोड्यूस होता है। ये एक मॉर्फोलॉजी है। इसके ज़रिए हम मॉर्फीम्स को स्टडी करते हैं, जो मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। एलोमॉर्फ्स किसके अंदर स्टडी किया जाता है। द नेक्स्ट लेवल इज सिंटैक्स। दिस इज़ द लेवल ऑफ सेंटेंसेज। इट इज़ कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कम्बिनेशन विद ईच अदर टू फॉर्म फ्रेजेज आर सेंटेंस। ये मीनिंग के ज़रिए कंसर्न किया जाता है, यानी कि सेंटेंसेज से क्या है, कौन से मीनिंग अखज़ किए जाते हैं, कौन से फ्रेजेज के ज़रिए मीनिंग अखज़ किए जा सकते हैं और बेसिक सेंटेंसेज क्या बन सकते हैं इसके ज़रिए। यह एक सिंटैक्स है। इसके ज़रिए हम बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज सिमेंटिक्स। दिस इज़ द एरिया ऑफ मीनिंग। इट माइट बी थॉट दैट सिमेंटिक्स इज कवर्ड बाय द एरियाज ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, बट इट क्विकली सीन दैट दिस लेवल नीड्स टू बी स्टडीड ऑन इट्स ओन टू हैव अ प्रॉपर परस्पेक्टिव ऑन मीनिंग इन लैंग्वेज। सिमेंटिक बेसिकली मीनिंग की स्टडी होती है। उसके अंदर हम डिफरेंट तरह के मीनिंग्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट तरह से मीनिंग लिए जाते हैं एक सेंटेंस से, और वो कुछ मीनिंग कंसेप्चुअल मीनिंग रखते हैं, कुछ एसोसिएटिव मीनिंग रखते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल मीनिंग जो है जनरल मीनिंग होते हैं सेंटेंसेस के, और एसोसिएटिव मीनिंग में इंडिविजुअल मीनिंग होते हैं, जो पर्सनल मीनिंग होते हैं सिमेंटिक्स के अंदर उनको हम डील करते हैं। नेक्स्ट लेवल इज़ प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स भी मीनिंग है स्टडी है, मीनिंग की स्टडी है। इसके अंदर स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज का यूज़ देखा जाता है। ये एक इनविजिबल स्टडी है लैंग्वेज की और मीनिंग की। इसके अंदर हम बैकग्राउंड नॉलेज को देखते हैं, बैकग्राउंड मीनिंग को देखते हैं। इसके बैकग्राउंड नॉलेज की एक एग्जांपल है बेबी टोडलर सेल। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों की सेल लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि गारमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है
कि गारमेंट्स की सेल लगी हुई है बच्चों के लिए, ये मतलब नहीं है कि बच्चों की सेल लगी हुई है। दिस इज़ प्रैग्मेटिक्स, दैट द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। और ये एक जनरल क्वेश्चन आया करता है पेपर्स में कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो इनको हम आगे जाके डिटेल्स में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो होप सो आपको समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।